अब मुंबई के आजाद मैदान में मौजूद है, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि मेरे पीछे सत्याग्रह जो है चल रहा है। यहां पर इंडिया अलायंस के काफी सारे पार्टनर्स के लोग भी मौजूद हैं। ब्लैक साड़ी में आप देख पा रहे होंगे जो मुंबई विंग की प्रेसिडेंट है आम आदमी पार्टी के प्रीति शर्मा स्टेज पर मौजूद है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस और तरह तरह की अनेक पार्टियों के लोग भी यहाँ पर मौजूद है उनके समर्थन में। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इनका प्रोटेस्ट का मुद्दा यही है कि जिस डायलॉग कर रहे हैं हम लोग, संवाद प्रस्तावित कर रहे हैं, डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार से बात करेंगे समझने के लिए। हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, आपका मुद्दा है, आपका क्या उद्देश्य है? ये जो केंद्र की हमारा उद्देश्य ये है कि जो इंडियन गठबंधन है और हमारे जो आदरणीय नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी को सलाखों के पीछे ढकेलने का जो सरकार ने जो काम किया है वो बहुत ही निंदनीय है। सब्सिडी परे करके जिस तरीके से सरकार काम कर रही है हिंदुस्तान में, ये लोगों में जाहिर हो चुका है। और केजरीवाल जी का ये पेन के मैं मेरा समर्थन जाहिर करता हूँ कि केजरीवाल जी जो लड़ाई लड़ रहे थे, हम बाहर रह के भी वो लड़ाई लड़ेंगे। केजरीवाल जी के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे और आज एक केजरीवाल अंदर है, लाखों केजरीवाल बाहर होंगे, रोड पे उतरेंगे लाखों केजरीवाल इनके समर्थन में। और सच की लड़ाई जारी रहेगी और हम लड़ते रहेंगे केजरीवाल जी के लिए। जैसे आप देख पा रहे हो हमें देखने पर कि आपने मुंह पे मास्क लगाया है और हाथ को ऐसे बेड़ियों में बांधा है, इससे आप क्या लोगों को दिखाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं? ये मास्क से लगे हम शांति से अपना विरोध करते हैं और बेड़ी से डाला है कि हम बताना चाहते हैं कि ये जो भी सच बोलता है, चाहे पत्रकार रहने दो, चाहे नेता रहने दो, चाहे कोई भी रहने दो, उनको जेल में डाला जाता है। और आप साई बाबा का एक उदाहरण रहेगा, 10 साल अंदर रहने के बाद में कोर्ट बोलता है कि इनके ऊपर कोई गुनाह ही नहीं है, तो गुनाह नहीं तो इनको अंदर क्यों करे? ये लोअर कोर्ट है, सेक्शन कोर्ट है और हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए और बच्चे को मालूम है देश में क्या हो रहा है करके। और आज हमारा इतना बड़ा दिन है, गुड फ्राइडे, आज हम लोग मात छोड़ के आए, पहला हमारा देश बाद में हम धर्म को बड़ा नहीं रखना चाहिए, इस देश को बड़ा रखना चाहिए। अब बताए कि एक केजरीवाल अंदर है, हजारों केजरीवाल लेगा। 2014 में हम लोगों ने मोदी कोर्ट दिया था लेकिन हमें पसंद नहीं आया उनका, तो हमने अब बदलाव होना चाहिए और जून में ये पब्लिक खुद ही देगा। और जनता के अंदर जागरूकता जैसे जनता को एकत्रित करते हुए भी पकड़े हुए निशाना साधते हुए और कहते हुए कि जो बीजेपी है केंद्र सरकार की वो दुरुपयोग कर रही है और आइस फॉर्मूला के बारे में जो बात कर रहे हैं जिसका वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आइस फॉर्मूला में इनकम टैक्स, सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जैसी एजेंसीज का गलत इस्तेमाल करते हुए सारे लीडर्स को एक के बाद एक जेल में डालते हुए, क्योंकि हाल ही में देखने को मिला कि कांग्रेस के फंड रिलीज कर दिए गए, अरविंद केजरीवाल दिल्ली मुख्यमंत्री को एक लिकर एक्साइज पॉलिसी के स्कैम में डाल दिया गया, तो तरह तरह के जो लोग हैं जाहिर निषेध करते हुए काले झंडे भी पकड़े हुए हैं, कुछ लोगों ने गोदी पोपट ईडी ऐसा कहा है और वहां पर भी लिखा है कि इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, बिना कोई प्रूफ और षड्यंत्र होने के कारण बीजेपी ने उनके नेता अरविंद केजरीवाल को आज जेल में डाल दिया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि काफी लोग हैं ईवीएम के ऊपर भी बात करते हुए कि ईवीएम का गलत इस्तेमाल किया गया है, कहीं ना कहीं तरह तरह की जो चीजें लिखी गई है, घबरता है कायर तब ईडी को आगे करता है, नहीं उसके पास कोई उपाय, फिर भी हम लड़ते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सत्याग्रह आजाद मैदान का ये दर्शाता हुआ कि बाकी सब इंडिया अलायंस पार्टी के लोग काफी नाराज है जिस तरीके से बीजेपी एजेंसीज का इस्तेमाल करके सभी लोगों पर झूठे केस लगाए जा रही है और काफी नेताओं को अभी तक जेल में डाल चुकी है। कैमरामैन महेश मोरे के साथ देव कोटक आज तक।